नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल उमेश रा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कलर रिपेयरिंग कोर्स सीआरटी टीवी का जो चल रहा है, उसी में हम आज लेसन नंबर 4 पर आ गए हैं। पहले के जो लेसन हैं तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। आज हम दोस्तों लेसन नंबर 4 चालू कर रहे हैं, कलर रिपेयरिंग जो सीआरटी टीवी का है कोर्स, उसमें लेसन नंबर 4 में आज हम सीखेंगे दोस्तों कलर टेलीविज़न के प्रमुख विभाग। जी हाँ, आज हम सीखेंगे कलर टेलीविज़न के प्रमुख विभाग। विभाग का मतलब होता है स्टेज, स्टेज का मतलब, विभाग का मतलब होता है जैसे जल विभाग, कानून विभाग, तो उसी तरह है दोस्तों टीवी में जो सीआरटी कलर टीवी है उसमें कई तरह के स्टेज होती हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कौन कौन सी जो प्रमुख विभाग होते हैं सीआरटी कलर टेलीविज़न में, तो दोस्तों आप ध्यान नंबर में है आरएफ ट्यूनर, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्यूनर, ठीक है। पहले नंबर में है दोस्तों जो कलर टीवी सीआरटी टीवी होती है, तो उसमें दोस्तों जो सर्किट होता है, प्लेट होती है, उसमें ये सारे विभाग होते हैं। अगर आपको इनको मालूम नहीं होगा, आप सिर्फ पढ़ लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बारी बारी से मैं अपने वीडियो एक एक विभाग का बनाता जाऊंगा, तो जो हमारे सीखने वाले भाई लोग हैं या व्यूवर्स हैं, दोस्त हैं, तो वो दोस्तों ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कोई वीडियो आप मिस ना करें। ठीक है, तो आज हम चलता हूँ और मैं बताता हूँ जो कलर नंबर पर है आरएफ ट्यूनर, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यूनर। दूसरे नंबर पे है दोस्तों हमारा बीआईएफ स्टेज, ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा बीआईएफ स्टेज होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाइए, तीसरे नंबर पे साउंड आईएफ एंड साउंड आउटपुट स्टेज होता है दोस्तों, वीडियो एम्पलीफायर। चौथी स्टेज होती है वीडियो एम्पलीफायर, सर्किट में वीडियो एम्पलीफायर होता है, ठीक है। पांचवें नंबर पे है दोस्तों क्रोमा स्टेज, ठीक है। छठवें नंबर पे है क्रोमा एम्पलीफायर। सातवें नंबर पे है दोस्तों सब कैरियर रीजनरेटर, ठीक है, सब कैरियर रीजनरेटर। आठवें नंबर पे है दोस्तों कलर किलर, ठीक है। नौ नंबर पे है दोस्तों कलर सिग्नल आउटपुट, ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए इस जो मैंने ये चार्ट बना रखा है। दसवें नंबर पे है पिक्चर ट्यूब, ठीक है दोस्तों, जो आप सीख चुके हैं। ग्यारहवें नंबर पे है सिंक सेपरेटर, ठीक है, हिंदी में भी लिखे हूँ, जिन भाई लोगों को समझ में ना आता हो तो हिंदी में भी देखिए, पीछे इसके लिखा है, अंग्रेजी में भी लिखा है, ठीक है। ग्यारहवें नंबर पे सिंक सेपरेटर में हो चुका, ठीक है। बारहवें नंबर पे हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर। तेरहवें नंबर पे है दोस्तों हमारा हॉरिजॉन्टल आउटपुट, ठीक है। चौदह नंबर पर है वर्टिकल ऑसिलेटर्स एंड आउटपुट, ठीक है। पंद्रह नंबर पे है दोस्तों मुख्य पावर सप्लाई, ठीक है, और जो ये मैंने एएफटी स्विच नहीं रखते हैं किसी किसी उसमें ये थ्योरी में, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है ऑटो फाइन ट्यूनिंग, ठीक है, एएफटी स्विच होता है, ठीक है, ऑन ऑफ जो कलर टीवी में लगा रहता है उसको एएफटी स्विच कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो कलर टीवी के प्रमुख स्टेज होती हैं मैंने आपको बता दिया कि ये जो प्रमुख होती हैं एक नंबर से लगा के 16 नंबर तक ये स्टेज होती हैं दोस्तों। तो अगर इन स्टेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मुख्य, हमने आपको कह दिया जाए कि बताइए आरएफ ट्यूनर क्या होता है, ठीक है। तो आरएफ ट्यूनर तो आप पढ़ लेंगे, इसमें लिखा है कि क्या होता है, बट आप समझ नहीं पाएंगे। तो अगर कोई भी विभाग के बारे में अगर आप जानकारी नहीं रखेंगे तो वो विभाग कैसे चलेगा, उस विभाग को आप संभाल नहीं पाएंगे, ठीक है। आप कहने का मतलब है कि आप रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे, जो कलर सीआरटी टीवी है उसमें आप नहीं वर्क कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो कलर टीवी के प्रमुख विभाग हैं, स्टेज हैं, तो इनको हम बारी बारी से सीखें। इसको मैं वीडियो के द्वारा दोस्तों, ये मेरा लेसन नंबर 4 का कलर टीवी के प्रमुख विभाग का
पहला वीडियो है, ठीक है। तो जो हमारे नए व्यूवर्स हों तो पुराने हमारे वीडियो जरूर देखें, तभी उनको ये अंडरस्टैंड समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। ये तो लेसन नंबर 4 चालू कर रहा हूँ, तो आपको जब भी वीडियो नेक्स्ट मिलेगा तो इसके 1 नंबर से लगा के 16 नंबर तक की जो स्टेजें होती हैं उनको मैं बिल्कुल बारीक बेसिक से आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कराऊंगा। आपको कुछ भी समझ में ना आता हो तो आप अगर वीडियो को देखेंगे ध्यान से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इसी तरह मेरे साथ रहेंगे और समझेंगे, वीडियो देखेंगे, तो 100% कह रहा हूँ कि आप CRT कलर TV रिपेयरिंग के एक कुशल मैकेनिक बन सकते हैं और ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए मैंने अभी ये इतना बताया दोस्तों, ठीक है। अब मैं आज दूंगा एक वीडियो, ठीक है, खाली यही नहीं बताऊंगा, आज मैं 1 नंबर का ये RF ट्यूनर इसके बारे में भी जानकारी अभी आपको देना देर किए हुए वीडियो को जो हमारे भाई लोग देख रहे हों अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो सके और टाइम से आपको मिल सके दोस्तों। तो ठीक है, चलता हूँ दोस्तों और दिखाता हूँ दोस्तों। ये रहा आज हम जो कलर TV के विभाग चल रहे हैं तो उन विभागों में जो पहले नंबर पर स्टेज होती है दोस्तों RF ट्यूनर से चालू करते हैं, ठीक है। आपके सामने ये RF ट्यूनर बताऊंगा कि RF ट्यूनर कलर टेलीविजन में क्या होता है और उसको कैसे समझेंगे, उसको स्टार्टिंग से कैसे बेसिक से आपको कैसे बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखे होंगे जो ओल्ड कल पुराने समय में एंटीना चलता था तो उसका ये एंटीना है और एंटीना में जहाँ ये दो वायर जुड़ते थे तो उसको ये डायपोल गोल गोल की जो ये रहती है डायपोल बोलते हैं, तो वही है, ठीक है। तो और ये RF ट्यूनर का एक सांकेतिक सर्किट आपको दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ ध्यान से देखना है, ये बैलून ट्रांसफार्मर इनपुट है, ये आउटपुट है। तो जब यहाँ से ये हमारे सिग्नल हैं, ठीक है, यहाँ से दो सिग्नल निकलते हैं, ठीक है, बैलून ट्रांसफार्मर से यहाँ से सिग्नल हमारे दो सिग्नल निकलते हैं RF ट्यूनर में जब आते हैं तो वो दो, हाँ वो दो सिग्नल मैं आपको बताता हूँ, वो दो सिग्नल आउटपुट पर हमें जो ये मिलेंगे, ये आउटपुट है, यहाँ पर आ जाइए आउटपुट पे, अगर आप देखेंगे तो 38.9 MHz पिक्चर IF सिग्नल मिलते हैं जी, वीडियो जिसको पिक्चर कहते हैं, वीडियो के सिग्नल, अगर ये सिग्नल नहीं मिलेगा तो चित्र नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो पहला नंबर का हमारा वीडियो वो आउटपुट निकलेगा, ठीक है, पिक्चर IF सिग्नल निकलेगा 38.9 MHz का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर उससे जो एक उसी से RF ट्यूनर से आपको आउटपुट में दो सिग्नल निकलते हैं तो 33.4 MHz का एक साउंड IF, जी हाँ आवाज़ का, ऑडियो और वीडियो दो सिग्नल निकलेंगे, ठीक है, RF ट्यूनर से। जब यहाँ से स्टार्टिंग सर्किट की जो ब्लैक डायग्राम है कलर TV का, तो यहाँ से आपको स्टार्टिंग करना मैं बताऊँगा ताकि बिल्कुल बिगन से आपको बेसिक से समझ में आए, बारीक से बारीक जानकारी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से दो सिग्नल देखिए आपको निकल आए, ये जो सिग्नल निकले, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आप ट्यूनर का जो चित्र है या ट्यूनर को आप कैसे पहचानेंगे TV में कैसा रहता है, तो वो मैं आपको, ये जो थंबनेल है फोटो आपको स्क्रीन में नज़र आ रही होगी तो ये फोटो आप देख लीजिएगा। इसको दोस्तों मैकेनिकल ट्यूनर बोलते हैं, ट्यूनर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, RF ट्यूनर दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है मैकेनिकल ट्यूनर, ठीक है, मैकेनिकल ट्यूनर ये लिखा है ध्यान से देख लीजिए। तो जो चलता है ब्लैक एंड व्हाइट TV में, जो पहले TV आती थी ब्लैक एंड व्हाइट सफ़ेद स्वयं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर, ठीक है। तो इसका दोस्तों यूज होता है कलर CRT TV में, जो आजकल चल रहे हैं सभी TV में इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर होता है, जो कुछ पहले की हैं उसमें दोनों चलते हैं, मैकेनिकल ट्यूनर और इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए BHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी चैनल होते हैं, ये BH वेरी हाई फ्रिक्वेंसी चैनल 2 से 12 तक होते हैं, और UHF जो चैनल होते हैं अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, इनका फुल फार्म दोनों का लिखा है, तो इसमें होते हैं 1382। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट TV चलती थी तो उनमें BHF
ट्यूनर के साथ में हमें वेरी हाई फ्रिक्वेंसी चैनल ट्यूनर से मिलते थे, 2 से 12 तक चैनल आते थे, ठीक है। और जो कलर टीवी हैं जो दोस्तों वर्तमान में चलती हैं दोस्तों, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी UHF का, तो उसमें आपको चैनल रहेंगे 13 से टोटल 82 तक, ठीक है। ये देखिए ये लिखा है। तो मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, जो RF ट्यूनर एंटीना से जब जो दोस्तों टेलीविजन में RF ट्यूनर का वही काम है जो ब्लैक एंड वाइट टीवी में होता है। BHF मैकेनिकल ट्यूनर का रंगीन टेलीविजन में बहुत कम प्रयोग में मिलता है। जो ये बता रहा हूँ कि मैकेनिकल ट्यूनर है तो ये ब्लैक एंड रंगीन टीवी में बहुत कम मिलता है। अगर पूछा जाए भारत में BHF ये पेशांत चलता है, ठीक है, भारत में। तो दोस्तों RF ट्यूनर का जो काम होता है CRT कलर टीवी में, तो उसका काम है दोस्तों, RF ट्यूनर का काम है वांछित डिजायर्ड जो वांछित या डिजायर रेडियो फ्रिक्वेंसी होती हैं, ठीक है, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती हैं उनको छांट कर, सही फ्रिक्वेंसी छांट कर उन्हें शक्तिशाली मजबूत बनाकर IAF फ्रिक्वेंसी में परिवर्तित, यानी जो रेडियो की वॉइस वाली फ्रिक्वेंसी होती हैं उनको छांट कर और मजबूत कर वीडियो वाला चित्र वाला IAF फ्रिक्वेंसी चैनल में बदलती हैं परिवर्तित कर। RF ट्यूनर जो RF ट्यूनर की होती है 33.4 MHz का साउंड IF सिग्नल मिलता है जो मैंने बताया, ठीक है। और इसके बाद आपको दूसरे नंबर पर 38.9 का पिक्चर IF सिग्नल मिलते हैं दोस्तों। जो RF ट्यूनर के विषय में दोस्तों और थोड़ा मैं आपको बता दूं, जो कलर टेलीविजन में रंगों की यथास्थिति सही बनाए रखने के लिए, जी हाँ, कहने का मतलब है कलर टेलीविजन में रंगों को सही तरीके से कलर में है वस्तु उसी के हिसाब से रंगों की यथास्थिति बनाए रखने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी RF ट्यूनर के ऑसिलेटर विभाग को AFT, ठीक है, ऑटोमेटिक फाइन ट्यूनिंग सर्किट लगाकर कंट्रोल या नियंत्रित ये प्रबंधित किया जाता है दोस्तों। और बता दूं, यदि ऑसिलेटर विभाग की फ्रिक्वेंसी में कुछ अंतर आता है, ठीक है, तो उसमें AFT द्वारा ऑटो फाइन ट्यूनिंग द्वारा नियंत्रण कंट्रोल बना रहता है, ठीक है, उसमें सुधार किया जा सकता है। AFT ऑटो फाइन ट्यूनिंग 38.9 MHz की पिक्चर IF को परिवर्तित बदलने से रोकता है। जो AFT होती है 38.9 MHz का जो पिक्चर का सिग्नल होते हैं IF को परिवर्तित बदलने से रोकता है। और बता दूं दोस्तों, यदि ऑसिलेटर विभाग की फ्रिक्वेंसी में कुछ अंतर आता है तो AFT ऑटो फाइन ट्यूनिंग द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है, नियंत्रित कर लिया जाता है दोस्तों। AFT के प्रबंध के कारण, AFT होने के कारण CRT टीवी में AFT सिस्टम होने के कारण फाइन ट्यूनिंग कंट्रोल को जो बार बार हमें एडजस्ट कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एडजस्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल। रंगीन टेलीविजन में मैकेनिकल ट्यूनर का प्रयोग करें तो CCIR स्टैंडर्ड के अनुसार ही होना चाहिए दोस्तों। तो ये दोस्तों मैंने आपको पूरा जानकारी दे दी RF ट्यूनर के बारे में। अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं फिर अगले नंबर के जो विभाग सारे बताए हैं 1 से लगा के 16 तक, आज ये पहला विभाग के विषय में बिल्कुल एक एक नंबर से लगा के 16 नंबर तक के वीडियो मैं बनाऊंगा। 16 वीडियो इसमें प्रसारित होंगे अभी दोस्तों, तो वीडियो को कोई मिस ना करिएगा। अगर पसंद आ रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं और कुछ समझ में आ रहे हों, जानकारी भरे लग रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के साथ उन लोगों को भी इस तरह की CRT कलर TV रिपेयरिंग कोर्स की जानकारी मिल सके और इस चैनल से जुड़ सकें दोस्तों। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाते हैं मेरे, तो परेशान ना होइए, वीडियो बड़ा होने पर आपको पूरी डिटेल एक से एक बारीक बेसिक जो चल रहा है और जो इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं वो आपको बेसिक जानकारी में बिल्कुल ही आराम से बिल्कुल ही सरल विधि के द्वारा बताता हूं। तो दोस्तों चलता हूं, फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहें टेक्निकल उमेश रा यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत।